जनपद भदोही में यातायात माह के समापन समारोह के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन लाला नगर टोल प्लाजा के पास स्थित कार्यक्रम स्थल पर किया गया। लोक गायक राजेश परदेसी द्वारा अपने गीतों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। समापन कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रों की निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न विद्यालय के बच्चों ने प्रतिभाग किया। हम सभी लोग जो ट्रैफिक नियम है हमारे उनका पालन करेंगे ताकि हम सब लोग सुरक्षित रहें। एक आंकड़ा जो कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, पिछले 3 साल में कोरोना नाम की एक बहुत बड़ी महामारी आई है जिसने विश्व को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। लेकिन आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि कोरोना से जितनी मृत्यु हुई है इस देश में उससे ज्यादा मृत्यु ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से रोज या प्रतिवर्ष का जो भी आंकड़ा हम लें उसकी तुलना में ज्यादा मृत्यु हुई है। और जो घायल होकर विकलांग हो जाते हैं उनका आंकड़ा और भी ज्यादा है। और कोरोना में तो फिर भी सभी एज ग्रुप के लोग प्रभावित हुए, लेकिन ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरने वालों में या विकलांग या घायल होने वालों में ज्यादा रेशियो यंग पॉपुलेशन का है। यंग पॉपुलेशन जो अपने परिवार और समाज का सहारा होती है, देश और समाज की आर्थिक प्रगति में भी उनका योगदान होता है, वो इस दुर्घटनाओं में ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये एक उदाहरण है ये बताने के लिए कि ट्रैफिक एक्सीडेंट किस तरह से हमें दुष्प्रभावित कर रहे हैं, और फिर भी हम लोगों का लापरवाही का जो रवैया है वो बना हुआ है। ये बड़ी गंभीर चीज है। यदि हम लोग हेलमेट का उपयोग करते हैं या सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं, एक बार अगर हमें आदत पड़ जाती है तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमें शरीर पे कपड़े पहनने की आदत भी है, कभी इससे हम एहसास महसूस नहीं करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं। इसी तरह से हमें सीट बेल्ट या हेलमेट इसको अपनी आदत में शुमार कर लेना चाहिए।